हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बथवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को। सो स्टार्ट करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो से। सो आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है। डाइकॉट एम्ब्रियो का एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। अगर हम एक डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स। अगर हम एक डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें हमें एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलेगा, दैट मीन्स दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एंड टू कॉटिलेडन्स, सो वन टू, दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन, ये क्या हो गया आपके कॉटिलेडन्स हो गए। सेकेंड, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज एपिकोटाइल विच टर्मिनेट्स विद द प्लीम्यूल और स्टेम टिप। अब अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपके जो कॉटिलेडन्स हैं, ठीक है, उनके लेवल से ऊपर की बात करें, यानी कि कॉटिलेडन्स के ये जो वाला पोर्शन है इससे ऊपर की बात करें, लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स के, सो ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन आपका एपिकोटाइल है। यहाँ पे लिखा है ना, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज द एपिकोटाइल। ओके, सो कॉटिलेडन से ऊपर वाला पोर्शन, यहां से अगर हम माने इससे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका एपिकोटाइल है। और एपिकोटाइल कहां टर्मिनेट हो रहा है, किसके साथ, प्ल्यूमियल के साथ, क्योंकि प्ल्यूमियल को हम शूट टिप भी कहते हैं, दैट मींस आगे जाके ये शूट सिस्टम की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके, सो शूट सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एपिकोटाइल कह लीजिए या आपका प्ल्यूमियल कह लीजिए। नेक्स्ट है, द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। ओके, अब ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है कहां से, कॉटिलेडन के लेवल से नीचे वाला पोर्शन, कॉटिलेडन के लेवल से नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका हाइपोकोटाइल है। और हाइपोकोटाइल ये वाला रीजन आगे जाके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या किस चीज की फॉर्मेशन करने वाला है, आपकी रूट की। सो हाइपोकोटाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हमें एक तो क्या देखने को मिल रहा है, रेडिकल, और वी कैन से रूट टिप, और ये रेडिकल ही आगे जाके क्या बनाएगा आपका, रूट की फॉर्मेशन करेगा। और इस रेडिकल को कवर किया हुआ है किसने, रूट कैप ने। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में जो आपका प्ल्यूमियल है इसको स्टेम टिप लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे शूट टिप लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि अरे सर ने तो यहाँ पे शूट टिप लिख दिया, बुक में स्टेम टिप लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं स्टेम टिप लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम स्टेम टिप ही कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो स्टेम टिप जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा है मैंने वैसे ही मेंशन कर दिया। चलिए अब हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो का केस देख लेते हैं। चलिए अब मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। सो नाम से ही पता चल रहा है मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनो यानी सिंगल, यानी आपको यहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन या एक कॉटिलेडन देखने को मिलेगा। और हम जब ग्रास फैमिली की बात करते हैं, तो कॉटिलेडन को यहाँ पे ग्रास फैमिली के केस में स्कूटेलम कहा जाता है, ठीक है, स्कूटेलम कहा जाता है कॉटिलेडन को ग्रास फैमिली के केस में। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के किस साइड मौजूद होता है, तो आप कहेंगे आपका जो स्कूटेलम है या ये जो कॉटिलेडन है ये लेटरल साइड पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे या वन साइड पे सिचुएटेड होता है। अब बात कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें, सो यहाँ से सपोज करो ये मेरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है जहाँ पे आके मेरा ये स्कूटेलम और क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस आपस में जुड़ रहे हैं। उससे अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करूँ, तो हमने पढ़ा था डाइकॉट के केस में हाइपोकोटाइल। सो इस वाले रीजन में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक तो रेडिकल देखने को मिल रहा है, रेडिकल आगे जाके क्या करेगा आपकी रूट की फॉर्मेशन करने वाला है। एंड रेडिकल के बाहर हमें एक कवरिंग देखने को मिलती है जिसे हम रूट कैप कहते हैं, हमने डाइकॉट के केस में भी ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे रेडिकल और रूट कैप उसके बाहर भी हमें एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीट देखने को मिलती है जिसको कहते हैं कोलियोराइजा। तो हम कह सकते हैं मोनोकॉट के केस में रेडिकल और रूट कैप उसके बाहर हमें एक और अनडिफ्रेंशिएटेड शीट देखने को मिल रही है जिसे हमने कोलियोराइजा कहा, ठीक है। सो
रेडिकल और रूट कैप के बाहर एक और लेयर है जिसे कोलियोराइजा कहा जाता है। थोड़ा ऊपर का आप देखेंगे तो यहां पे हमने एक और स्ट्रक्चर का नाम लिखा हुआ है एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट, अब ये एपिब्लास्ट क्या है, इसको सेकंड कॉटिलेडन भी कहा जाता है, यानी कि ये कॉटिलेडन बनते बनते रह गया, ये कॉटिलेडन बनते बनते रह गया, सो इसे एपिब्लास्ट कहा जाता है। सो वो पार्ट जो शायद आगे जाके कॉटिलेडन बन जाता लेकिन वो बन नहीं पाया, इमेच्योर रह गया, सो उसे हमने एपिब्लास्ट कहा या सेकंड कॉटिलेडन कह दीजिए। अब अगर हम रूट हम अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें, सो जहाँ पे आपका स्कूटेलम और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस मिल रहे हैं उससे ऊपर वाला पोर्शन वो आपका एपिकोटाइल रीजन है। क्या रीजन है आपका? एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल रीजन में हमें शूट एपेक्स देखने को मिल रहा है और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया देखने को मिलते हैं। शूट एपेक्स प्लस लीफ प्राइमोर्डिया हमें देखने को मिल रहे हैं कहाँ? एपिकोटाइल रीजन में, दैट मीन्स इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में जहां पे आपका स्कूटेलम और एम्ब्रियोनल एक्सिस आके मिल रहा है उससे ऊपर वाला पार्ट। सो वहां पे शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया देखने को मिलते हैं जो कवर्ड है एक और लेयर से, एक हॉलो लेयर से जिसे हमने कहा कोलियोप्टाइल। आप देख रहे होंगे ये शूट एपेक्स है और शूट एपेक्स के चारों ओर, इसके चारों ओर हम कह सकते हैं एक रेड कलर में जो दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये जो लेयर है उसको कोलियोप्टाइल कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? कोलियोप्टाइल। सो इसको हम एपिकोटाइल रीजन भी कह देते हैं। और ये जो शूट एपेक्स से आगे जाके क्या करेगी? आपकी शूट सिस्टम की फॉर्मेशन करेगी। सो ये स्ट्रक्चर आपका एनसीईआरटी में गिवन है और हमने एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हमने डिस्कस कर लिया। होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।